नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। मतलूब एक शिद्दत पसंद कमांडर थे, वो उन्होंने खुली कचहरी वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में लगाई है और ये इनका नाम कमांडर हबीबुल्ला है। और ये कमांडर हबीबुल्ला जो है, ये बहुत सारे जो केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। नांगा पर्वत में 10 गैर मुल्कियों को उन्होंने कत्ल किया था और उसके बाद ये 2013 में गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन somehow ये 2015 में अपने एक साथी के साथ जो गिलगित की जेल थी वहां से फरार हो गए। और ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट है। और अब दोबारा ये 7 जुलाई को, मतलब एक दिन पहले, इन्होंने जो जिला द्यामर है वहां पे बाबूसर टॉप के एक पोलो ग्राउंड में एक खुली कचहरी जो है वो लगाई है। और वो जो खुली कचहरी है उसमें उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं और उन्होंने एक वहां पे एक लोकल चैनल था और उसको इंटरव्यू दिया है, जो कि उन्होंने फेसबुक पे भी चलाया है। ऑब्वियसली ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है क्योंकि पाकिस्तान ये जितना भी एरिया है केपी का, वो तो खैर काफी ज्यादा, वहां पे जितने फाटा वगैरह में तो सब मिलिटेंट्स हाइड आउट्स खत्म कर दी गई, उनको तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, उनकी सपोर्ट बेस तबाह कर दी गई और अब वो कुछ भी नहीं था वहां पे। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, ये नॉर्मली पीसफुल एरिया है, यहाँ पे मिलिटेंसी इस तरह नहीं है। लेकिन अजीब सी डेवलपमेंट्स हैं आज पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, उनमें एक ट्रेंड जो है वो ये भी चल रहा है कि जी लाइफ अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान, और वो बड़ा सॉफ्ट इमेज सा तालिबान का पेश किया जा रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें तालिबान की दिखाई जा रही हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि ये किस तरह का ट्रेंड है। और जो अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो दोबारा जिस तरह एक इंप्रेशन डेवलप हो रहा है कि वो पावर में आ रहे हैं, बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये जो हुआ है इसको भी देखने की जरूरत है। मैंने वो वीडियो भी डाउनलोड की है, मैं थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाता हूँ कि वो एक जर्नलिस्ट और वो जो कमांडर है वो आपस में बात कर रहे हैं। वो सारी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन 1-2 मिनट की जो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान ईसा खान और आप देख रहे हैं 4 न्यूज़। आज मैं बाबूसर के मुकाम पर मौजूद हूं। यहां मुजाहिदीन गिलगित बल्तिस्तान व कोस्तान की जानिब से खुली कचहरी का इनकार किया गया है। अमूमी तौर पर मुल्की और गैर मुल्की मसाइल पर बातचीत की गई और बिलखसूस खंदर के 4 के मुकाम पर 20 फरवरी 2019 को हुकूमत और रसासदानों के दरमियान इनके जो अमन माहदा हुआ था उस पर भी बातचीत की गई। अब आए उनके साथ बात करते हैं उन्हीं की ज़बानी से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले आप मुझे अपना तारुफ करें और अपने साथियों का। मेरा नाम है कमांडर हबीबुर रहमान, मैं गिलगित बल्तिस्तान के नायब अमीर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कमांडर नसीरुद्दीन और मौलाना मसूदुल हक और कमांडर लियाकत खान। हबीब रहमान साहब, आप मुझे ये बता दें कि जो आपके साथी हैं, जो आपके करीब में बैठे हैं, उनकी इन्होंने तारुफ की है, ये है नसीरुद्दीन साहब कमांडर, और ये कमांडर महफूजुल्लाह साहब हैं, और ये कमांडर हबीब साहब हैं, और ये कमांडर लियाकत है। हबीब रहमान साहब, आप सबसे पहले अपने ख्याल का इजहार करें, उसके बाद सवाल जो आपका सिलसिला शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले अपने साथियों से कुछ मारूजात पेश करना चाहता हूँ। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعه। میں تمام امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان گلگت بلتستان و کوہستان اور برسر بیکار مجاہدین اور جیلوں میں بند اسیران اسلام کو ہم اپنے اتفاق اور اتحاد نظم و ضبط پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس اتفاق و اتحاد کو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور حدیث نبی یَدُ اللّہ علی الجماعۃ کا عملی مصداق بنائے کہ قیام کے لیے جد و جہد اور امت مسلمہ بالخصوص عوام پاکستان کی خیرخواہی کو اپنے جہادی اہداف کا لازمہ سمجھیں۔ میرے محترم ये بڑی لمبی ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن میں ان طالبان کو یا ان کمانڈرز کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان ہے افغانستان نہیں ہے۔
ऑब्वियसली इन्होंने ये अचानक इस मौके पे पहुंचे हैं, ये पोलो ग्राउंड में आए हैं और ये पता नहीं कितने सालों से रूपोश थे, यकदम ये मर्ज हुए हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही सिक्योरिटी को पता चलेगा, जो हमारे वहां पे ऑपरेटर्स है, वो इनको ऑब्वियसली या तो ये भाग गए होंगे, इनका नेटवर्क भाग गया होगा, या ये जो इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम बड़ी यूनिटी है। जैसे आपने पता है कि हमारे वहां पे फाटा में जिस तरह इनका सारा ऑपरेटर्स खत्म हुआ, बलोचिस्तान में, कराची में, मेन स्ट्रीम अर्बन एरियाज में बड़े बुरे हालात थे, लेकिन वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान का राइज नजर आ रहा है, रिवाइवल ऑफ तालिबान नजर आ रहा है। जैसे मैंने आज कहा कि ये ट्विटर के ट्रेंड जो पाकिस्तान में चल रहा है, लाइफ अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान, बड़ा सॉफ्ट इमेज है ये, मतलब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीसरा चौथा ट्रेंड है, बल्कि इस वक्त पहला ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान जो आ रहा है। तो उसके अलावा ये जो लोग हैं, ये उन्होंने पोलो ग्राउंड में अपनी खुली कचहरी लगाई, काफी तादाद में लोग जमा हो गए और ये कहा जा रहा है कि जो लोकल सहाफी को दिया, जो आपने देखा भी, ये अब क्या अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि वो अपना इमरजेंस समझ रहे हैं, या वो समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में भी कुछ कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो ऑब्वियसली नजर भी नहीं आएंगे और इनका पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ गए हैं, लेकिन कुछ बातें जो की हैं वो ये है कि कि इनके कुछ मुआहदे हुए थे, अमन मुआहदे हुए थे 20 फरवरी 2019 को हुकूमत के साथ। अब जारी बात है वो अमन मुआहदे दे हैव येट टू कम इन, वो क्या है मुआहदे, वो क्या था उसमें, लेकिन किसी को भी वेपन रखने की इजाजत या इस तरह जिस तरह वो उनके साथियों ने पीछे नकाब किए हुए हैं, गन्स पकड़ी हुई हैं और एक जगह पे आ गए हैं, मतलब ये तो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल। इन एनी केस जो भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां हासिल की दी हैं और जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है उसमें इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरह ये लोग आएंगे और आके वीडियोस बनाएंगे और कुछ चैनल पे चलाएगा इसको। ऑब्वियसली ये जो मुजाहिदीन है गिलगित बल्तिस्तान व कोहिस्तान ये अपने आप को कहते हैं और रिपोर्टर को अपना तारा भी कराते हैं इस हवाले से। और ये सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, मुआशरती इन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बात कर रहा था पीओके तक में, मतलब जो मिलिटेंट ग्रुप हैं तालिबान जैसे वो पहुंच चुके हैं और कमर चीमा यहाँ पर ऐसा डिस्क्राइब कर रहे थे जैसे कि ये बहुत छोटी बात है। हालांकि पाकिस्तान के लिए तो छोटी बात है क्योंकि पाकिस्तानियों का एक दावा है कि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करता है और तालिबान मतलब पाकिस्तान के हाथ में खेलते हैं, ऐसी कुछ बातें ये करते हैं और ये चाहते भी हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आए। और आपको बता दूं कि ये लोग तालिबान के जो लोग मर रहे हैं, तालिबान की वजह से पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं उनमें जो तबाही मची हुई है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करते। जैसे पेशावर, फाटा, यहाँ पर ऐसी तबाही मची हुई है, यहाँ पर रोज़ तालिबान की डेड बॉडीज़ आ रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी इन पर कोई भी बात नहीं करते हैं और ये केवल एक ही पक्ष दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि तालिबान ने इतने एरिया में कवर कर लिया, इतने एरिया में हुकूमत ले आए, इतने एरिया में कब्जा कर लिया, काबुल बस बचा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये लोग पीओके में अगर मिलिटेंट ग्रुप आते हैं तो ये लोग इसे नॉर्मल ले रहे हैं। आपको पता है दोस्तों इंडिया में, इंडियन कश्मीर में, जो इंडिया का जो कश्मीर है वहाँ पर प्रॉब्लम यही है मिलिटेंट ग्रुप, और इन्हें ये मजाक समझ रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान में एक्टिव होते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की नाक में दम करते हैं तो डेफिनेटली इनको समझ में आएगा मिलिटेंट ग्रुप। तो दोस्तों पैसे तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सोचता है कि अफगानिस्तान में तालिबान आएगा तो तालिबान जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएगा, इनकी ये एक्सपेक्टेशन है। तो आप समझ सकते हो इनकी क्या सोच है। इनकी आर्मी तो खुद से कुछ करने वाली है नहीं, इनकी आर्मी में दम ही नहीं है कि वो जाके लड़ाई कर सके, ये प्रॉक्सी के भरोसे हैं, तो ये क्या जाने। हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप आए और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हों, क्योंकि भारत पाकिस्तान की वजह से बहुत सफ़र किया है, भारत को इतने हथियारों में इन्वेस्टमेंट, इतना आर्मी में इन्वेस्टमेंट केवल इन लोगों की वजह से करना पड़ा है, आपको भी पता है ये चीज़ें। ये पाकिस्तान बस एक ही चीज़ चाहता है, इंडिया की तबाही, काफिरों की तबाही, इस तरीके की ये बात करते हैं। तो मैं तो खुश होऊंगा ये मिलिटेंट ग्रुप आते हैं पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।